है, तो हम टू वेरिएबल में किसी फंक्शन को, मान लो कोई हमें टू वेरिएबल में कैसे कुछ ऐसे दिया रहता था ना, तो इसको हम लोग अधिक से अधिक जेड मान लेते थे, ठीक है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ना है, काम तो वही रहेगा। तो किसी फंक्शन को हम कब डिफरेंशिएबल बोलेंगे और कब डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम के आपके पास फंक्शन तो दिया ही रहेगा, उसी फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। लेट इफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, सॉरी आर टू का कोई सबसेट ले लीजिए, ठीक है, आर टू से आर, मतलब आर टू के किसी सबसेट से आर पे डिफाइंड है, लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब वो जो वैल्यू देगा वो रियल देगा, दैट इज इसका जो डोमेन कोडोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन इतना भी है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके, डिफाइंड ऑन, बस इसी बात को लिख रहा हूं मैं, डिफाइंड ऑन ओपन सेट ले लीजिए, ओपन सेट डी, ओके, इस ओपन सेट डी पे डिफाइंड है, ओके, एंड कोई पॉइंट इसके अंदर ले लीजिए, क्योंकि जब भी हम डिफरेंसिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे आपको याद होगा 1D वाला याद करिए, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, या फिर ए ले लीजिए, तो हम डिफरेंसिबिलिटी की देखिए, अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो ए पूरे, अगर ये हमारा मान लीजिए जो भी है पूरा, देखो यहां से यहां तक ये पूरा डिफरेंशियबल है और यहां से यहां तक डिफरेंशियबल है, बट ना तो इस पॉइंट पे, ना तो इस पॉइंट पे, ना तो इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियबल का सिंपल सा मतलब क्या है, टेंजेंट। अगर हमें कोई एक एक कर्व दिया हुआ है तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज इसका हम टेंजेंट निकालते हैं, और ये किसी पॉइंट पे होता है, एज्यूम करिए वाई इक्वल टू हम कुछ एक्स नॉट पे निकाल रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, अदरवाइज डिफरेंशियबल नहीं है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने एक ग्राफ स्टेप से लिया, तो यहाँ पे देखिए कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशियबल नहीं, इवन दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट भी हम लोग देख लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमें हेल्प करेगा एग्जाम में क्विकली करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो हमने कोई पॉइंट लिया, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करना है ना, तो हमने ले लिया कि एज्यूम करिए कोई डी से हमारा एक पॉइंट है ये भी, ओके, देन देन एफ इज सेड टू बी, एस टी बी का मतलब सेड टू बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, ओके। मैं बोला था डिफरेंशिएबिलिटी का हम किसी पॉइंट पे बात करते हैं, अब यहां से कंडीशन होगा, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एफ एट ए बी इफ, अब एक कंडीशन मैंने रखता क्या, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर अल्फा एंड बीटा। अब आप ये सोच रहे हैं अल्फा बीटा कहां से बीच में आ गया, तो आएगा कैलकुलेशन जब आप एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन देयर इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर अल्फा एंड बीटा सच दैट, इस फंक्शन को कुछ कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लिखना है, दैट इज इफ इस पॉइंट पर देख रहे तो डायरेक्टली इस पॉइंट पे आप पुट कर दिए, ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ओके, इतना माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू अल्फा, ये जो एच हमने लिया है अल्फा एच प्लस इधर जो के लिया था बीटा टाइम्स के प्लस के टाइम्स कुछ के टाइम्स, अच्छा के नहीं, इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में रख दे रहे हैं, प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कुछ फंक्शन ऑफ एच के, ठीक है। अभी और कंडीशन है, ठीक है, वेयर, ये थ्योरी से आप घबराइएगा नहीं, इजी है, जब हम कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो हमने इधर लिखा था ना, दिख रहा होगा इधर फाइव एच के, आई होप क्लियर होगा, ओके। कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है टू वेरिएबल में, तो उसको हम किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब कहेंगे अगर हमारे पास दो स्केलर ऐसे हो सच दैट इसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। एक कंक्लूजन है, वेयर ए एच के गोज टू जीरो एज एच कोमा के गोज टू जीरो, दैट इज जब एच और के जीरो पे जाएंगे उस केस में फाइव एच के जीरो पे जाएगा, फाइव एच के क्या था, ए वाला था। अच्छा, इसके लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है, तो आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, आप जस्ट क्या है सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट मैं आपको शो कर दे रहा हूँ इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ओके।
आप क्या करिए, एफ फाइव इक्वल टू मतलब निकाल दीजिए, क्योंकि हम फाइव पे बात कर रहे हैं ना, तो फाइव को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड ला दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए कोमा बी। ओके, अब इनको भी इधर लाइए, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एच प्लस बीटा के, इतना हो गया। अब देखिए हमें सिर्फ फाइव एच के करना था ना, सब कुछ सेपरेट कर रहे थे, तो अपन में क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या हो गया, फाइव एच के। ठीक है, तो अगर हम किसी फंक्शन को इस टाइप से लिख पा रहे हैं, वेयर फाइव एच के गोज टू जीरो वेन वेन एच कोमा के, देखिए उसी फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई किया और कुछ नहीं किया है। तो आप इस टाइप का कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये अलग फॉर्मूला है, अलग है, एक ही कंक्लूजन। एक और इसके इक्विवेलेंट फॉर्मूला है, उसको भी मैं लिखवा दे रहा हूं। हमें क्या करना होगा, जब भी कोई फंक्शन टू वेरिएबल में देगा तो उसको इस फॉर्म में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें ए स्ट्रक्चर देखना होगा कि अगर हम इस फंक्शन को इस टाइप से लिख पा रहे हैं तो ए एच के जीरो पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जीरो पर चला गया तो डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है, अगर आप इस टाइप से नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एक दूसरा फॉर्म है वो इसको और करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, और में क्या है, अगर बस मैं डायरेक्टली रिजल्ट ही लिखवा दे रहा हूं कि अगर इसको जैसे यहां पे एक फंक्शन फाइल लिया था ना, अब दो फंक्शन ले लेते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, इधर वाला एजिट रह जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ना, ए कोमा बी इक्वल टू, अब पहला हमने क्या लिया था, अल्फा एच ए एजिट रह जाएगा, फिर हमने लिया था बीटा के ए एजिट रह जाएगा, अब इधर चेंज हो जाएगा, इधर जो हमने अंडर रूट इतना टाइम्स फाइल लिया था, अब यहाँ पे हमें दो फंक्शन बना देना है। ठीक है, कैसे, एक एच टाइम कुछ फाइव वन लेना आप एच कुमा के फंक्शन का, प्लस कुछ के टाइम्स, के कौन था, यही वाला के जो हमने डिस्कस किया, ए फाइव दूसरा फंक्शन हो जाएगा एच कुमा के। अगर हम इस टाइप से मतलब हमें अगर एफ कोई दिया हुआ तो उस एफ को हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वेयर, ठीक है, यहाँ पे एक फाइव था तो ए फाइव जीरो पे जा रहा था, यहाँ पे दो फाइव वन फाइव टू आ गया ना, तो दोनों जीरो पे जाना चाहिए, कब, जब एच और के जीरो पे जाए, वेयर फाइव वन गोज टू जीरो एंड फाइव टू गोज टू जीरो वेन एच कोमा के गोज टू जीरो। ठीक है, तो आपको जो आपको थ्रू आउट काम पड़ेगा किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे यही दोनों दिया हुआ है, बट हम बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जहां पे बिना इन कैलकुलेशन को किए हम डायरेक्टली बता देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो मैंने पहले मेथोडोलॉजी बताया था वो मेथड भी बताऊंगा, कौन सा, पी इम्प्लाय क्यू का निगेशन क्या होगा, नॉट क्यू इम्प्लाय नॉट पी। ठीक है, तो कुछ पहले रिजल्ट देख लेते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। ओके, अच्छा मैं बार बार इसको बोल रहा था, पी इंप्लाई क्यू, पी इंप्लाई क्यू एक किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी। ठीक है, ओके, तो सम रिजल्ट्स में क्या देखते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, और ये वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दोनों में लागू होता है। ठीक है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इंप्लाई करेगा कि एफ जो होगा कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं नोट करके, निगेशन क्या हो जाएगा, इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं सीटीएस लिख दे रहा हूं कंटिन्यूअस को, इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाई एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखिए इस रिजल्ट की हेल्प से हम कैसे काम करते हैं, आपको याद हो कल भी हमने जो किया था, परसों रोज भी किया था, क्या, हमें जो फंक्शन इस टाइप से कुछ दिया था, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने बार बार दिखाया था। ओके, हमने सोल्व करके कुछ दिखाया था कि वन माइनस एम स्क्वायर अपन में वन प्लस एम स्क्वायर आया था। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये पाथ डिपेंडेंट है, सो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहां से हमारा कंक्लूजन निकल गया था ना। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां से होगा। अब ये नहीं कि आपने फॉर्मूला जान गया तो फटाफट ए प्लस एच और बी प्लस के ये सब बला बला थिंग्स करने लगना, नहीं, वो डिफिनीशन था समझने के लिए। आपको मैं हर बार बोलता हूं करना है स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क।
ठीक है। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ, आपने यहीं से देख लिया कि जब कंटिन्यूअस है ही नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी की बात कैसे करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लें, सोल्व नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा, बाउंडेडनेस की बात कर रहा, कंटिन्यूटी की बात कर रहा, ओके। और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था, फर्स्ट ऑप्शन देखिए कंटिन्यूटी की बात कर रहा, सेकंड कंटिन्यूटी की बात कर रहा, फोर्थ कर रहा डिफरेंशिएबिलिटी की बात। तो इसमें देखिए वन और टू में से कोई एक ही ट्रू होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि वो कंटिन्यूअस भी हो और डिसकंटिन्यूअस भी हो, ठीक है। अगर हमें पता चला कि पहला ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है चौथा भी ट्रू हो जाएगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी कहां से होगा। तो जब इसमें ट्रू चूज नहीं करना है, तो अब आपको आपको यह पता चल जाए कि पहला ट्रू हो गया तो चौथा भी ट्रू हो जाएगा, तो इस तरह से आप कोरिलेट करके करेंगे। बट अगर पहला फॉल्स हो गया, दैट इज अगर सेकंड ट्रू हो गया, तो आप फोर्थ का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये ओनली सफिशियंट कंडीशन है। सफिशियंट का मतलब क्या होता है, जो इंप्लाई करें इसी को सफिशियंट, दैट इज अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और नेसेसरी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये देखिए, इस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, बट बाकी जगह पे है, इवन दो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यानी कि एक अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी को कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये खुला हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही करा है, ये 19 दिसंबर का है। तो ऐसे ना हर बार ही लगभग आपको एक आधो क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब सेकंड में बाउंडेडनेस की बात कर रहा है। देखिए टू वेरिएबल में आपके पास क्या क्या, मतलब जो हमने पढ़ा या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, शुरू में मैंने बता ही दिया, ठीक है, वही चीजें। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हुआ, बाउंडेडनेस हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, ठीक है। अब एग्जिस्ट कह ले या बाउंडेड कह ले, बात दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब अगर ये इनफाइनाइट होगा तो आप उसको बाउंडेड तो नहीं बोलेंगे ना, और जब भी एग्जिस्ट करता है, जैसे हम समेशन भी लेते हैं तो बोलते हैं कि लेस देन इनफिनिटी, इसका मतलब होता है कि बाउंडेड है और एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और बहुत बार हम इसको कन्वर्जेंट भी बोलते हैं सीरीज में, जब फाइनाइट हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाता था, ओके। एनीवे उसको छोड़िए, इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे फाइनाइट की बात कर रहा है गेट में, यहाँ पे एग्जिस्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, और बाउंडेडनेस की बात कर रहा है। तो देख रहे हैं घूम फिर के उसी की इर्द गिर्द कर रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा कुछ होगा तब तो पूछेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। ऐसे ही आपको बस इंप्लीमेंट करने आना चाहिए कि कैसे एग्जाम में आप क्विकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल में होता तो कुछ और बात थी। तो टू वेरिएबल में अगर एफ डिफरेंशिएबल है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, इंप्लाई क्या करेगा कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज इफ एफ इज डिफरेंशिएबल देन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। मैं पीडी लिख दे रहा हूं, मतलब अगर देखिए इसका जस्ट आपको ना निगेशन वाला बहुत फायदा करेगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये सब नॉट वाला केस के लिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन आते हैं थोड़ा सा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टर्म में, अगर इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, तो एक चीज और देख लेते हैं, एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है, आगे की बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर फंक्शन बाउंडेड होता है तो भी हो जाता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो यहाँ से कंटिन्यूटी वाला ही ले लेते हैं, कि हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है, और डिफरेंशिएबल है तो इंप्लाई करेगा कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस हुआ तो रिमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट और ले लेते हैं, मतलब अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, बट रिमान हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको नेसेसरी सफिशियंट पी इंप्लाई क्यू नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी, ये सारे का इंप्लीकेशन आना चाहिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर इन शॉर्ट में बोले तो अगर कोई फंक्शन डायरेक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इसको कंबाइन करके एक लाइन में हम इसको समझते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे, और रिमान इंटीग्रेबल भी होगा, नहीं करेगा, ओके। क्या करवा रहा था, हाँ, तो इन शॉर्ट बोले तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है टू वेरिएबल में तो पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्शनल, अच्छा डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने
एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन और एवरी डायरेक्शन, ठीक है, एग्जिस्टेंस इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। और मैं ये एवरी डायरेक्शन क्यों लिखवाया आपके क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए एफ हैज ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट इतना, मतलब हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लिया आपने। और मैं डायरेक्शन क्योंकि कभी भी पूछा है ना, देखिए इसमें भी देखिए ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट इतना एग्जिस्ट, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में ले आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मायने रखता है, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लिए लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब हर एक डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपने सिर्फ ए डिफरेंशिएबिलिटीज का प्रूफ कर दिया, तो एक बात एग्जांपल दे रहा हूं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ हो गया कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आपका ट्रू क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रू होगा, थर्ड ट्रू होगा, फोर्थ गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ एक चीज से कंक्लूजन निकल गया। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, बट अभी हमने ये पढ़ा है, तो आप इसको देखना है कि उस मेथड अगर देखो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो भी सेकंड और थर्ड ट्रू हो सकता है, ठीक है, बट डिफरेंशियल डिफरेंशिएबल हुआ तब तो गारंटी हो जाएगा। ये सब कुछ मेथोडोलॉजी है करने के, ओके। और ये सिर्फ सफिशियंट कंडीशन है, सब ध्यान रखना, इंप्लाई मतलब होता है सफिशियंट कंडीशन, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है किसी का भी, कन्वर्स ट्रू हो जाएगा तो इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ बोल देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, कंसीडर, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ना, जो नहीं लिया है लेके आ जाइए अभी। एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कहाँ पे जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड जीरो अगर एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। यहाँ पे आपको इसका डिफरेंशियलिटी डिस्कस करना है, मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इमिडिएटली बताइए होगा कि नहीं होगा। एक बार मैं पीछे का दिखा दे रहा हूँ, आपको डिफरेंशियबल वाला से निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे मैं दो चीज शो कर दे रहा हूँ, एक तो यार तो आप ये ऊपर वाला फॉलो करना है या सेकेंड वाला फॉलो करना है, ठीक है, आपको जो ठीक लगे। एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं, हमें एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स की जगह किसी पॉइंट पे मैंने, अच्छा वहां पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमें कभी कभी पॉइंट नहीं देता है, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए को एक पॉइंट नहीं देता, बट हमें यहाँ से ऑब्जर्व पता ऑब्जर्व हो जाएगा कि किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना, चाहे कंटिन्यूटी का चाहे डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर ये जीरो जीरो नहीं भी दिया होता तो भी हमें इसी पॉइंट पर करना, क्योंकि बाकी जगह पे तो कंटिन्यूस है, नो डाउट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ओरिजिन पे, तो हमें ओरिजिन पे ही काम करना होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे करना होगा, ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे हमने बताया कि जब जीरो होगा तब क्या होगा और जब जीरो नहीं होगा तब क्या होगा। आपके पास ये दो फॉर्मूला है, फटाफट इसको नोट करिए और फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। इसमें आप जब उस फंक्शन को पहले आप ये चीज कैलकुलेट करने के, लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेट करने की कोशिश करना, फिर जो चीज आएगा उसको राइट वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना। जब राइट वाले के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा तब आपका ड्यूटी होगा कि अगर आपने सेकंड वाले फॉर्म यूज किया है तो आपको 5152 दोनों जीरो पर जाए जब एच को जीरो पर हो, या फिर अगर आपने ए वाला फॉर्मेट यूज किया है तो आपको एच के फाइव एच के जीरो पर जाना चाहिए अगर एच और के जीरो पर जा रहा हो तो, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया, अब क्वेश्चन करिए। कंटिन्यूटी के लिए मैं एक हेल्प आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को एक चीज ध्यान रखना, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो ना, मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके डिग्री देखिए कितना है, इसका डिग्री दो है, इसका भी डिग्री दो है, तो जब इस टाइप का जब ऊपर नीचे का डिग्री बराबर हो जाए तो आप ना वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का एज्यूम कर लेना, ठीक है। जब ऊपर नीचे का डिग्री सेम हो जाए ना तो आप इस टाइप से दिखा देना, ये चीज ए पाथ लेना, इस पाथ पे लोगे तो क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट आ जाएगा और एक कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशियबल ही नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको वाला काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो आपने डिफरेंशियबिलिटी का फंक्शन फॉर्मूला लर्न किया है उसको करना है। मैं हिंट देते जा रहा हूं, आप लोग क्विकली करिएगा, मैं फंक्शन रिकॉल करा दे रहा हूं, फंक्शन सॉल्यूशन क्या था डिफरेंशियबिलिटी के लिए, कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी वो क्या था, थोड़ा देर पहले हमने देखा था ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी, ठीक है, आपको यही कैलकुलेट करना है, बाकी अपने आप आ जाएगा या फिर आप बाकी निकाल लें। तो
इसको रखेंगे तो क्या होगा? अच्छा, हमें ये जब ए और बी यहाँ पे क्या है, ठीक है, ए चीज है तो ऑब्वियस सी बात है एच के बन जाएगा, जीरो जीरो बन जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका एफ एच कॉमा एफ के, तो दैट इज ए आपका दे देगा एच स्क्वायर के अपन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और जीरो जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपके पास दो ड्यूटी बनती है, मैंने क्या बोला था इसको आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, या तो अल्फा एच वन अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस सम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और फाइव, इस टाइप से फाइव ऑफ एच कोमा, या फिर दो फंक्शन फाइव वन और फाइव टू के टर्म में किया था। तो आप देखिए इसको इस फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, इस फॉर्म में कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। सो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, अतः आप कहीं भी कंटिन्यूटी से मत लेके चलिएगा। मैंने जो पीछे रिजल्ट लिखवाया वो इस टाइप से लिखवाया, p implies q, दैट इज p इज डिफरेंशिएबल implies q इज कंटिन्यूअस, बट इसका कन्वर्स ए लिखवाया था हमने कि डज नॉट मतलब नॉट कंटिन्यूअस implies नॉट डिफरेंशिएबल, बट कंटिन्यूअस डज नॉट implies एनीथिंग, यू कांट से एनीथिंग। इसको ना आप हमें क्या लेना था, हमने बोला था कि अल्फा और बीटा ऐसा एग्जिस्ट करे, ठीक है, हमारा डेफिनेशन में ही था ना कि अल्फा बीटा ऐसा एग्जिस्ट करे सच देर उसको हम लोग कुछ इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे। तो मान लीजिए कि जीरो ले लिया अल्फा की जगह, तो जीरो टाइम्स एच प्लस, हमें देखिए एक कंक्लूजन हमारे पास है इतना ही चीज, अब इसी को पूरे उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जीरो टाइम्स के ले लिया, ठीक है। अब मैं ना फर्स्ट वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला फॉर्म क्या था, ऐसे था और इसके बाद ऐसे था, यही था ना, इसको मैं मेरे को क्या लेना था, इतना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मैंने ले लिया। अब इसको आप ब्रेक करिए, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा करिए कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच स्क्वायर के और इधर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3/2, इतना होगा क्या, यहां से आई थिंक विजुलाइज करना टफ हो जाएगा, ओके हाँ सिंगल वाले में इजी रहेगा, सिंगल वाले में हो जाएगा। देखिए एक तो ये हो गया, अगर आप दूसरे वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिएगा आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं पता कि कौन सा अप्रोच लेंगे। तो अगर हम पहले वाले फॉर्मेट से कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, सेकेंड वाले फॉर्मेट से क्या था एच फाइव वन प्लस के फाइव टू, ओके। तो यहां से देखिए मैं एच बाहर ले लूंगा, यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, तो एक एच बाहर ले लूंगा, और ये फाइव वन फाइव टू क्या था एच और के का फंक्शन था, तो इसको एच और के का फंक्शन हम लेते हैं, ये था आपका एच कोमा के प्लस के टाइम्स फाइव टू एच कोमा के, ओके। तो ए जीरो इंटू लिखा हुआ है, जीरो इंटू एच प्लस जीरो इंटू के एच इंटू, अब इसके फाइव वन की जगह मैं क्या ले लूंगा, इसी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो एच को ले लिया मैंने एच के अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ले लिया प्लस के टाइम्स जीरो। तो अब देखिए आपके पास ए वाला भी स्ट्रक्चर बन गया, ए वाला भी स्ट्रक्चर बन गया, अब आप किस में इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या था, कंडीशन के अनुसार सोचिए, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही वर्क करना होगा। जैसे यहां पे देखिए हमने दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फाइव, और इस केस में इसको हम लोग फाइव वन और इसको फाइव टू, तो फाइव टू तो ऑब्वियसली जीरो ही है, तो इसको नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमें देखना होगा कि फाइव वन जीरो पे जा रहा है कि नहीं, जब एच और के कहाँ पे जा रहे हो, जीरो जीरो पे जा रहे हो, और यहाँ पे भी वही चीज देखना होगा। तो मुझे जो दिख रहा है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है वर्क करने में, ये थोड़ा सा आसान है, आसान क्यों है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या हिंट दे रहा था कि जब एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप का कुछ दे जहां ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम हो, तो आप कौन सा पाथ ले लेना, वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दो डिग्री नीचे दो डिग्री, तो सेम हमें तो यही तो प्रूफ करना है, यही तो हमारा फाइव वन है, फाइव वन है, आप यही हमें दिखाना है कि जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये तो हमें पता है कि नहीं जाता है, कैसे लीजिए मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है। आप पाथ चूज करिए y इक्वल टू, अब यहाँ पे तो एच के फॉर्म में है ना, तो आप इसके फॉर्म में चूज करिए, तो इसका हमें दिखाना है कि जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टू चेक
इसको हमने क्या नाम दे दिया, फाइ वन, और एक क्या था, फाइ टू. फाइ टू में तो चेक करना ही नहीं है, तो टू चेक दैट लिमिट एच कोमा के गोज टू जीरो कोमा जीरो, फाइ वन गोज टू जीरो और नो. हमें यही देखना है ना, जीरो पर नहीं गया तब तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो काम खत्म. हमें तो जीरो पे जाना था ना, बस ये देखना जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा. तो आप वही वाला अप्लाई करिए, कंसीडर द पाथ, वहां वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेते थे ना, यहाँ पे एच इज इक्वल टू एम के ले लीजिए. तो ये चीज पूरा क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू जीरो और ये फाइव वन क्या बन जाएगा. ऊपर देखिए एच की जगह हमने एम के ले लिया और के पहले से था, तो एम के स्क्वायर प्लस में नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज ये आ जाएगा वन एम बाई वन प्लस एम स्क्वायर. अब ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, मतलब पाथ डिपेंडेंट आ गया. तो ये तो जीरो पर गया ही नहीं ना, और जीरो पर नहीं गया तो हमने क्या बोला था कि लिमिट मस्ट गॉन टू जीरो. अगर लिमिट जीरो पे नहीं जा रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अच्छा, बहुत बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अल्फा और बीटा क्या होगा, ठीक है. तो मैं स्टेप्स बता दे रहा हूं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है. आप कैसे करेंगे, स्टेप टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी. तो जैसे एग्जांपल से हमने कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, तो सबसे पहले अल्फा बीटा का मैं बताता हूं, ठीक है. स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है. और यहीं से देखिए हर स्टेप पे हम कंक्लूड करते जाएंगे, फाइंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है. फाइंड अल्फा एंड बीटा कैसे, बहुत आसान है. फंक्शन का पहले देखिए, ठीक है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है. तो वही जो फंक्शन अगर एफ है हमारा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, और जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एज्यूम करिए कि हमें ए बी पे करना है, तो ए बी पे उस एक्स के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव किया और जो वैल्यू आएगा वही हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है. और बीटा सिमिलरली आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, ए कोमा बी. ऐसे हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे. अब यहां से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अगर ये अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इंप्लाई क्या करेगा, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है. हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सॉरी डिफरेंशिएबल होता है, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. बट अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो वही कंक्लूजन यहां पर लिखा हुआ है कि अगर अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो. ओके, स्टेप टू में आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप जो फंक्शन दिया था, जो हमने कंडीशन लिखवाया था, ए प्लस एच बी प्लस के माइनस, वहां पे जो अल्टरनेट फॉर्म भी लिखवाया था ना, आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, सभी को एक साइड कर दीजिए, अल्फा एस एच माइनस बीटा के, ठीक है. मैंने इसलिए सेपरेट किया कि इसके बाद ही हमारा दो अलग अलग फॉर्म बन रहा था. एक तो फॉर्म क्या बन रहा था, अंडर रूट एच स्क्वायर, और इससे सीएसआईआर नेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, पहले पूछा हुआ है, इधर भी तो नहीं पूछ रहा है बट पहले पूछा हुआ है, और फाइव ऑफ एच के. एक तो हमारा ए बना था, एक हमारा ए फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए इतना एजिटियम था और यहां पे हमारा आ गया था एच फाइव वन ऑफ एच के प्लस, आई होप ये साफ नहीं लिखा जा रहा, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में, फाइव वन ऑफ एच के प्लस के टाइम्स फाइव टू
तो एक कंडीशन था हमारे चेक करने का, ओके। अब यहां से थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, और देखिए जैसे अल्फा बीटा का आपने पूछा ना, काम ही नहीं पड़ेगा आपको, बस जो सॉल्व करके आएगा ना उसकी हेल्प से भी उसको इस वे में एक्सप्रेस करिए कि आपका काम बन जाए, ठीक है, बस आपको अपना काम बनाना है। ओके, नेक्स्ट में हम फंक्शन पे पहुंच गए, एफ इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली, ठीक है। क्या अगर दो केस लिए थे ना, तो अगर पहला केस की हम लोग बात करें, मतलब दो तरीके से हमने लिखा था, तो क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और के टेंड्स टू जीरो पे क्या होना चाहिए, फाइव एच के का जीरो होना चाहिए। और दूसरा में हमने दो फंक्शन लिया था, फाइव वन एंड फाइव टू, तो इसमें दोनों पे लिमिट लगा दीजिए। अगर आप दूसरा वाला ले रहे हैं तो ये होगा एच कोमा के, ये जीरो पे जा रहा तो फाइव वन एच के क्या होगा जीरो, उसी तरह फाइव टू भी लिमिट आप एच के को जीरो जीरो पे ले रहे हैं तो आपका फाइव टू भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये चीज हो रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और कर लें क्या, ठीक है। बाकी आप इसमें होमवर्क आपको बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहां गया, इस क्वेश्चन में पैटर्न तो सब कुछ ए टू जेड सेम ही है, हमने जो एक्स स्क्वायर वाई और लिया ना, बस आप एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स और वाई की जगह वाई स्क्वायर कर लेना, दैट इज अब इसके जगह आप क्या ले लो, एक्स वाई स्क्वायर, आंसर आपको पता है, प्रोसीजर सारा सेम ही है, तो आंसर पता है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने लिखा हुआ है तो उसी में एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स वाई स्क्वायर कर लेना, आंसर पता है, इससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ओके। अब एक आप इमिडिएटली बताइएगा कि मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, एक्स एट जीरो जीरो, ठीक है। अब ये बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्या फंक्शन एक्स ए टू वेरिएबल में दिए हैं, ध्यान रखना आप लोग, वन वेरिएबल में नहीं है। अगर हमें कहीं लिमिट इस टाइप से निकालना हो, ठीक है, और एज्यूम कर लीजिए कि ये बन रहा है, तो आप पहले लिमिट नहीं अप्लाई करोगे, चाहे मान लो ये बन रहा है या फिर कुछ इस टाइप से बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई करोगे, तो आपका जो आया होगा कुछ मान लीजिए आपका एच बाई एच आया होगा इसे कुछ, ठीक है, ये आया तो आप यही लिए होंगे ना, एच टेंस टू जीरो लेंगे, ठीक है। अब ये लेंगे तो आपको तुरंत ही नहीं अप्लाई कर देना कि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया तो ये हॉस्पिटल लगेगा फलाना ढिकाना, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, ये कैसे होता है, देखिए ये होगा एच बाई एच और ये होगा माइनस एच बाई एच, कब, अगर पॉजिटिव साइड से आओगे और ये निगेटिव साइड से आओगे, दैट इज ये क्या देगा वन और माइनस वन। जब अगर मान लो कि हम जीरो के नेबरहुड में देख रहे हैं ना, तो जब पॉजिटिव साइड से आओगे तो प्लस वन देगा और निगेटिव साइड से आओगे तो माइनस वन देगा, तो पहले इसको सोल्व कर लेना है, जैसे इसको हटाता हूं रुकिए, अगर मान लीजिए आपके पास यही बना ना, तो आपको ये तुरंत लिमिट नहीं अपलाना है, अप्लाई करना है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा। अब इस पे इसको अप्लाई करना है, जो हमने पढ़ा उसी को बस शॉर्ट में निपटाते हैं। जो हमने फंक्शन हमने क्या किया था, इसको अल्फा माना था, इसको बीटा माना था, ठीक है, ये हमारा अल्फा था और ये बीटा था, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, दैट इज अल्फा और बीटा एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड सेकंड थिंग ये चीज हमने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये हमारा अल्फा, इसको मैंने मान लिया था और इसको बीटा मान लिया था, तो क्या आया था एच अल्फा प्लस के बीटा और बाकी ये चीज तो मैंने करवाया था, यहाँ पे फाई और साई लिया हुआ है, वहां पे दो अलग अलग फंक्शन लिया था, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में कैसे मैंने करवाया था कि यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और फाइव स्टेप से लिया था, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट होता है तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल, ठीक है। बाकी वहीं सब एक्सप्लेनेशन इधर लिखा हुआ है तो आपके नोट्स में है ही, ये पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ, अच्छा ये वाला फॉर्मेट में करवाया था, ठीक है। तो इसका अब इसमें दो सब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सचवाज थ्योरम
एंड यंग्स थ्योरम। तो मैं उसको एक्सप्लेन जल्दी जल्दी कर देता हूँ। वो एक्चुअली ना, जैसे अभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे पहले भी आप लोग पूछे थे कि जो हमारा एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स ए इक्वल नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। बट जब हम गेट का क्वेश्चन जो शैडल पॉइंट वाला पूछता है ना, ठीक है, कहाँ गया शैडल पॉइंट, रुक जाइए एक सेकेंड, बस टाइम दीजिएगा। एक क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमारे फॉर्मूला में वो ये वाला टर्म आ रहा था ना, तो इन जनरल ये नहीं होता है। बट अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाया हूं उसमें चीज आपको मिल जाएगा। तो इस केस में ऐसे जब सैडल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, वहां पे ये चीजों दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग हैसियन मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ए वाला, फिर एक्स वाई, फिर वाई एक्स और ए वाई वाई, इस टाइप से हैसियन मैट्रिक्स बनाते हैं समथिंग, फिर इसको पॉजिटिव निगेटिव बात करते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉर्मूला में हम लोग जो डी निकाल रहे थे वहां पे ए यूज कर रहे थे, ठीक है, ना कि इस दोनों का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो वहां पे रीजन यही था कि ये दोनों इक्वल होता है, ठीक, उसको इस चीज से मिक्स मत करना। बट इन जनरल एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स, तो फिर कब होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है फटाफट। अच्छा, पीडीएफ डिस्प्ले है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ओके, तो ए सफिशियंट कंडीशन वही मेंशन है कि कोई पॉइंट हम आर टू का ले रहे हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये दोनों कंटिन्यूअस हो, पालन एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के बाद कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो एग्जिस्ट ऑब्वियस करेगा, तो इसके बाद ही हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो इसका कोई विशेष मीनिंग यहाँ पे है नहीं। जो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उस दोनों में से, जैसे अगर दो वेरिएबल का है तो दो निकलेगा, कोई एक कंटिन्यूअस हो और कोई सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, अगर एक कंटिन्यूअस है तो ये एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर अगर इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ए एग्जिस्ट कर जाए, तो वही दोनों के मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी पॉइंट ए बी पे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस हो और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर एफ वाई कंटिन्यूअस हो और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। और बाकी सारे मैं रिजल्ट्स बता रखा हूँ, तो इस पर हम फटाफट निकलते हैं। वहीं की डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा एंड 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 एग्जिस्ट करेगा, सब बातें हो गई है। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कराना, इसमें मैंने पूरा प्रूफ बताया हुआ है कि कैसे हम लोग करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ये दिखाना था, जैसे उन्होंने रमेश ने पुट किया था कि कंटिन्यूअस है सो डिफरेंशिएबल होगा, तो उसी का है कि फंक्शन कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ओरिजिन पे, तो उसका लंबा चौड़ा प्रूफ है। अब मैं आपको दो रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक यंग्स थ्योरम, एक सचवाज थ्योरम, ठीक है, दोनों इसी चीज को बताने के लिए कब एफ एक्स इक्वल होगा और कब सॉरी एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स इक्वल होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारा मेथोडोलॉजी मैंने समझा दिया आपको कि हमें क्या क्या करना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं, इसको समझते हैं। मैंने जैसे बताया कि इन जनरल ए इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल कब होगा, ठीक है, वही फंक्शन का एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स कब इक्वल होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पे, ठीक है। तो हमें, तो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला तो हमें एफ एक्स वाई तो दिया हुआ है, ठीक है, तो और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट पे इक्वलिटी की बात करें, इसका मतलब हमारा डोमेन हमने वहां पे डी लिया था और यहाँ पे ए लिया हुआ है, तो इस ए में से कोई पॉइंट आप ए भी ले लीजिए, तभी उस पॉइंट पे हम बोलेंगे। ओके, तो उस पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उसके छोटे से नेबरहुड में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है डबल वेरिएबल का एफ एक्स वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे भी हम बात कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, इस पॉइंट के नेबरहुड में उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड ए अगेन अब एग्जिस्ट कर गया, तो कंटिन्यूटी की भी हम बात कर ले तो सही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात ही नहीं करेंगे। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और ये अगेन डिफरेंशिएबल है ये दोनों फंक्शन, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों कंडीशन इक्वल होगा। वैसे इन जनरल इसका काम नहीं पड़ता, बट आपके सिलेबस में दिया हुआ तो मैंने करवा दिया, दो दिया हुआ करने के लिए, और हमें जो काम पड़ता है वो डायरेक्टली हम फॉर्मूला से कर लेते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे ना, डिस्कार्ड करने के लिए थोड़े ना हमें फाई एस की जरूरत है, डायरेक्टली दिखा दिया कि लिमिट डिपेंडेंट है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। अब नेक्स्ट वन है हमारा सचवाज थ्योरम, ठीक है, वो भी इसी कंडीशन के लिए है, दैट इज वहां पे भी हम ये देख रहे थे, यहाँ पे भी यही चीज दिखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा कंडीशन हटके हो जाता है।
फंक्शन हमें एग्जाम में वही दिया रहेगा, मतलब कहीं भी हमें कोई भी पूछेगा तो दो वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, और कंटिन्यूटी या मतलब एक पॉइंट हम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात है कि हमारे पास एक पॉइंट भी होगा, और ये पॉइंट कहाँ से होगा, हमारे डोमेन से। ठीक है, यहाँ पे डोमेन जैसे ए लिया हुआ है, वहां पे मैं शुरू में लिखवाया था तो वहां डी लिखवाया था। ठीक है, तो फिर से वही बात कि इस पॉइंट के नेबरहुड में पीछे वाले में क्या था, एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एफ एक्स वाई के साथ साथ एफ वाई एक्स भी हो। ठीक है, ये दोनों तो पिछला में था, यंग्स वाले में, सचवाज वाले में क्या है, ये भी एग्जिस्ट करता हो इस पॉइंट के नेबरहुड में, एंड अगर वाई एक्स लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा एफ एक्स वाई, तो ए एफ एक्स वाई क्या हो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, दैट इज जो फंक्शन हमें नोन होगा उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड एफ वाई एक्स भी एग्जिस्ट करे, देन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होगा, तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप इसके जगह वाई एक्स की जगह अगर आप एक्स वाई ले रहे हैं तो फिर हम कंटिन्यूटी की बात किसकी करेंगे, एफ वाई एक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, ये तो नेसेसरी है, अगर आप शुरू में इसको ले रहे हैं तो बाद में इसको लेंगे, और शुरू में इसको ले रहे हैं बाद में इसको लेंगे। ठीक है, तो वही चीज पूरा मेंशन किया हुआ, ये फंक्शन एट ए पॉइंट दिस वी कॉल दैट दिस फंक्शन विल बी इक्वल, और दिस कंडीशन विल होल्ड इफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस थिंग्स ऑल एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ दैट गिवन पॉइंट एंड एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस, देन दैट फंक्शन विल बी इक्वल, दैट इज दैट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि अगर आप शुरू में यहाँ पे कहा गया, अगर आप शुरू में अगर वाई एक्स ले रहे हैं तो बाद में एक्स वाई की बात करेंगे, और पहले एक्स वाई ले रहे हैं तो बाद में वाई एक्स की बात करेंगे, मतलब एक का एग्जिस्टेंस और एक का कंटिन्यूटी। पीछे भी हम ऐसे कुछ कर रहे थे सचवाज वाले में। ठीक है, इनका पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट के नेबरहुड में, और वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ एग्जिस्टेंस की और तीन एग्जिस्टेंस की बात किया, एक की कंटिन्यूटी की बात किया। ठीक है, तो ये दोनों काफी था, मतलब इस दोनों को हम लोग सफिशियंट कंडीशन बोलते हैं, मतलब ये होगा तो एक कंडीशन होल्ड होगा, बट एक कंडीशन होल्ड होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंडीशन होल्ड हो, दैट इज पी इंप्लाई क्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट पी इंप्लाई नॉट की क्यू। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्लेड है, आप ये बताइए इस फंक्शन के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, आप सो दैट पे मत जाना। ठीक है, आपको यहाँ पे सो दैट दिया गया हो तो सो नहीं, आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि एक कंडीशन एफ एक्स वाई एट ओरिजिन इक्वल टू एफ वाई एक्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप लोग इमिडिएटली सॉल्व करके बताइए। ये हुआ सचवाज वाला। ठीक है, और नेक्स्ट वन है योंग्स थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करने के बाद वो फिर से उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उस पॉइंट के नेबरहुड में एंड उस पॉइंट पे जो एग्जिस्ट करके वो फिर से डिफरेंशिएबल हो, तब उस पॉइंट पे दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंड क्या था हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव और एक वाई एक्स एग्जिस्ट करे एंड सेकेंड वन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस दोनों ही करना है, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ही करना है, और दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस हो जाए, बस इसका कंक्लूजन ये निकालिए कि पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे और एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों, ये दोनों भी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के बाद दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये होल्ड करेगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है, इसको करिए क्विकली। यहां से आपका डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया होगा, ये रहा एक्सरसाइज, तो आप इसमें कर लेंगे। इसमें वही बताना है कि चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो कुछ फंक्शंस दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे मेंशन है, तो आपको कल तक ये सारे कर लेने हैं। ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि, लेकिन जो सोल्व्ड एग्जांपल से उसको डेफिनेटली करना, और यहां तक सारा डेफिनेटली डिफरेंशिएबल अगर खत्म कर लिया, आपका ड्यूटी है एक क्वेश्चन नंबर 17 जो 2019 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऐसे तो करेंगे नहीं। 17 फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2020 दिसंबर वाला जो है, ए वाला जून, एक क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए मैंने उसको तीनों मेथड से किया हुआ, एक तो नॉर्मल करवाया हुआ है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे आंसर करिए, बाकी समझने के लिए आपके पास तो नोट्स आए ही, तो उसमें कोई दो राय है नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने यंग्स मेथड से करवाया है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कंक्लूड कर दिया, सचवाज थ्योरम से करवाया हुआ है।
आपका एक सच्चवाद थ्योरम से हो गया, फिर योंग्स थ्योरम से हो गया, एंड देन एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो हर तरह से आपका, ताकि सभी का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग एग्जाम्पल है फिर विजुअलाइज कर, एक ही से समझने की कोशिश करिए जिसमें सब कुछ कंक्लूडेड है। तो आप पेज नंबर 39 पे है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही 4.7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर लीजिएगा। और चलिए मैंने सब कंडीशन आपको समझा दिया, तो एक क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ, रफली करवाऊंगा। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, टू और थ्री क्या कर रहा है, बॉन्डेडनेस की बात कर रहा है, और फोर्थ क्या कर रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। मैं 19 वाला करवाता हूँ, ओके। इसमें जस्ट मैं हिंट देता हूँ, देखता हूँ आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा यूम करे कि टॉपिक तो खत्म हो गया, सिर्फ बॉन्डेड वाला नहीं बताओ ना, बॉन्डेड वाला समझा देता हूँ। वन वेरिएबल में क्या करते थे, हमें कोई डोमेन पे मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं से तो डिफाइन था ही ना, एक आर टू आर के सबसेट से आर पे था, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग बॉन्डेड कहते थे, अगर कोई एक हमें एम, एक एम ऐसा एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइट, सच दैट फॉर ऑल एक्स ए इस टाइप से हो। उसी तरह टू वेरिएबल में होता है कि हमें बस वो किसी चीज से बॉन्डेड होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे किसी के बॉन्डेड कैसे है, ठीक है। तो जैसा वर्क पड़ेगा, तो पहले हमें पहला ऑप्शन देखते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब जैसे फोर्थ दे रहा है कि कंटिन्यूस एट 1, 0, तो ओरिजिन पे सिर्फ हमें प्रॉब्लम तो ओरिजिन पे है ना, बाकी जगह तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आंख बंद करके भी मारिएगा फोर्थ ट्रू। सोल्व क्यों करना, क्या जरूरत, कोई मतलब नहीं है। 1, 0 रख के देखिए तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा, 0 पे 0 है, खत्म। का दिक्कत इसमें है, इसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूटी देखना है ना। अब देखिए ऊपर का डिग्री दो, नीचे का डिग्री दो, तो मैंने हिंट क्या दिया था, y इक्वल टू mx रख लेना। y इक्वल टू mx रखोगे तो क्या दे देगा, x स्क्वायर m, नीचे दे देगा x स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, एक कट जाएगा आपका m बाई 1 प्लस m स्क्वायर का, पाथ डिपेंडेंट आ गया, मतलब एक कंटिन्यूअस नहीं हुआ ओरिजिन पे, पहला खत्म फोर्थ ट्रू था। अब इस दोनों का देखना है, बाउंडेड देखना है ना, तो बाउंडेड देखने के लिए इस टाइप के फंक्शन में आप क्या करेंगे, जहां पे आपको इस टाइप के वेरिएबल पावर और ये सब इन्वॉल्व हो, आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा लेना, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos थीटा into sin थीटा, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, क्लियर सबको, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये क्या बचा, sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें इतना दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन में 2 आ जाएगा, क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन तो बॉन्डेड है, तो पूरा किससे लेस देन हो जाएगा, लेस देन 1/2 का आप 1 ही ले लो ना, 1 के आप 100 ही ले लो ना, क्या फर्क पड़ता, हमें बॉन्डेड दिखाना था ना, तो हो गया बॉन्डेड, खत्म का। अब ये रहा डबल इंटीग्रल का काम, तो डबल इंटीग्रल पढ़ाया नहीं हूं, बट मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूं, आप पोलर फॉर्म यूज करिए। चलिए करवा देता हूं, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रखिए, तो क्या आ रहा था आपका, अभी आया था sin 2 थीटा / 2, यही आया था ना, अब इसी का कारण लगा दीजिए लिमिट, तो अब ये तो फाइनाइट ही, इसको बिना सोल्व किए छोड़िए ना, गोली मारिए, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैं हिंट दे रहा हूं, एक कुछ ना कुछ ए आर डी आर डी थीटा ऐसे होगा, ये सोल्व करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए अनबाउंडेड किसी पॉइंट पे होता ही नहीं है। जैसे अगर टेन थीटा हमारा इंटीग्रेशन में आता, तो एक पल के लिए हम सोचते भी कि पाई बाई टू का जो इस टाइप का होगा वहां पे प्रॉब्लम करेगा, बट ये तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता है, सीधा साधा बच्चा है। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली मार देंगे, तो बाउंडेड होगा, कुछ भी आएगा सोल्व करके बाउंडेड होगा, कुछ के मान लीजिए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो थर्ड तो ऐसे ही ट्रू हो जाएगा। अब बाकी आप चाहते हैं कि नहीं, हम देखना चाहते हैं कि कैसे बॉन्डेड है, मतलब कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोल्व करिए, तो सोल्व करिएगा, तब इंटीग्रेशन लिमिट तो बदल जाएगा ना, ये तो एक्स वाई का 0 से 1 था ना, अब इस केस में तो अलग हो जाएगा, सॉरी 0 से 1 कहां से आ गया जी, 0 से 1 नहीं था, हमें नहीं दिया था, अब तो आर थीटा का चलेगा ना, तो आप पहले आर का करिए या थीटा का करिए, ठीक है, तो आर थीटा का करेंगे तो इसका जिसे भी सिंप्लीफाई करिए, इसको सोल्व कर लीजिएगा, टू वेरिएबल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिंपली इसका 1/2 हो जाएगा, जो भी होगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइप का फंक्शन है, इसकी जगह कॉस भी आ जाता, ठीक है, तो भी ये बाउंडेड हो जाता, बट टेन आता तो आप नहीं करते, तब तो आपको सोल्व करना ही पड़ता, तब तो नहीं बच सकते थे, ठीक है। ये सब मेथोडोलॉजी, अब इस तरह देखिए हमने कंक्लूजन निकाल लिया, कितना मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा, और हमने चारों ऑप्शन डिस्टिंग्विश कर दिया कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा
इनकरेक्ट होगा। तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लिखना चाहते हैं उनको मैं पेपर भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,